अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशर ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो आप लोगों को एमडी कैट के अंदर अपीयर होने से पहले पता होनी चाहिए। नंबर वन, आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए है कि एफएससी और एमडी कैट में क्या फर्क है। प्लीज डोंट स्टे इन योर एफएससी इनर्शिया, यानी जिस स्पेस पे और जिस स्पीड से आप लोग एफएससी के अंदर तैयारी किया करते थे, चीजों को किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे, द सेम इज नॉट द केस विद एमडी कैट। एफएससी आप लोगों ने 2 सालों में की, एमडी कैट आप लोगों ने 2 माह के अंदर अंदर प्रिपेयर करना है। और एफएससी और एमडी कैट का सिलेबस सेम ही है, लेकिन आप लोगों के टाइप ऑफ क्वेश्चंस और आप लोगों को जो टाइम दिया गया प्रिपरेशन के लिए वो फर्क है। तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना होता है और आपने उस हिसाब से अपनी स्पीड को भी इन्हांस करना है, अपनी मेमोरी को भी इन्हांस करना है और आपने अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को भी उस तरह ही इन्हांस करना है। नंबर टू, आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए है कि एमडी कैट में सिर्फ आप लोगों ने अपनी बुक्स की प्रिपरेशन नहीं करनी होती, सिर्फ बुक्स की हर लाइन का रट्टा नहीं लगाना होता, सिर्फ आप लोगों ने किताबी जो बातें हैं उनको याद नहीं करना होता, ये सिर्फ उनके ऊपर फोकस नहीं करना होता। आप लोगों की जितनी इंपॉर्टेंट आप लोगों की बुक की प्रिपरेशन है, उतनी ही इंपॉर्टेंट आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस के बगैर मेरा ये मानना है कि आप लोग कभी भी एमडी कैट को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको अंदाजा होता है कि आपके एग्जाम में किस तरह के सवाल आएंगे और प्रैक्टिस से आपको ये भी अंदाजा होता है कि आपने जो भी बुक से प्रिपरेशन की है आप उसको किस तरह से अप्लाई कर पा रहे हो और आपकी वो प्रिपरेशन अप टू द मार्क है या नहीं है। प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बहुत से रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा मकसद ऐप। मकसद ऐप को मैं रेकमेंड इसलिए करूंगा क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे 10,000+ MCQs जो कि आपके अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और इसमें आपको हर MCQ का वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस ऐप के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। इनकी ऐप में एक डाउट सॉल्व का फीचर है कि अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा आप उसकी तस्वीर खींचें और विद इन सम टाइम आपको जो है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप हमजा अशरफ का प्रोमो कोड यूज करेंगे तो उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और इस पूरे बंडल की जो प्राइस है वो आपको 5,000 रुपीज में मिलेगी। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट जो है वो आ जाता है कि आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन आप लोग जो मिस्टेक्स करेंगे आप लोगों ने उनको नजरअंदाज नहीं करना, वो मिस्टेक्स आपने एंड तक अपने सामने रखनी है ताकि कल को जब आपने एमडी कैट के अंदर अपीयर होना है तो आप वो मिस्टेक्स जो है दोबारा से ना करें। आप लोगों ने उन मिस्टेक्स को चाहे नोट कर लें, कोई रजिस्टर लेदर से बना लें, लेकिन जो भी मिस्टेक्स आप करेंगे अपने टेस्टों के अंदर, FLPs के अंदर, प्रैक्टिस बुक्स के अंदर, उनको आप लोगों ने लाजमी अपने सामने रखना है और इस चीज को जहन में रखना है कि वो मिस्टेक्स अगर एक दफा हो गई हैं तो वो दोबारा ना हो। मेरा और हमजा भी का हमेशा से यही मानना था कि आप अपने प्रिपरेशन वाले फेज में जितनी मर्जी दफा गलतियां कर लें, जब आपने एग्जाम में अपीयर होना है तो कोशिश करना है कि वो गलतियां दोबारा ना हो। पॉइंट नंबर फोर, आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए है कि एमडी कैट के अंदर रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मंथ्स का टाइम अगर आपके पास है या 3 मंथ्स का, आपने उसमें ये नहीं है कि एक दफा जो है आपने पार्ट वन को कर लिया और एक दफा एफएससी पार्ट टू को कर लिया। आपने कोशिश करनी है कि आप अपना शेड्यूल इस तरह से बनाएं कि आप जो है पहले आराम से सारे जो टॉपिक्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर तरह से प्रिपेयर करें और फिर जितनी दफा आप रिविजन कर सकते हैं करें। और रिविजन के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि काइंडली ये टारगेट ना रखें कि जी मैंने 10 रिविजन्स करनी है, मैंने 15 रिविजन्स करनी है, मैंने 5 रिविजन्स करनी है। टारगेट ये रखें कि आपका जितना भी टाइम है उसको आप यूटिलाइज इस तरह से करें कि जो भी रिविजन करें, जितनी भी रिविजन्स करें अच्छी करें। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी फोकस करें, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जितना थॉरली आपने पहले किया कोशिश करें कि उतना ही थॉरली जाएं, कोई पॉइंट मिस ना करें। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि रिविजन्स आपने मैक्सिमम करनी है, थॉरो तरीके से करनी है और क्वालिटी जो है उनकी आपने जो है मेंटेन करके रखनी है। पॉइंट नंबर 5 में अगर हम लोग आ जाएं तो उसमें मैं आप लोगों को रेकमेंड ये करूंगा कि आप लोगों ने जब भी एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है तो कोशिश कीजिएगा कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज करें। ये नहीं है कि अगर आप एक कोई बुक यूज करें हैं या आप किसी एकेडमी जा रहे हैं तो आप सिर्फ उसी से स्टिक करें। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज किया करें। फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे जो एकेडमी जाएंगे उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि उसके साथ साथ आप मकसद की ऐप को भी डाउनलोड करें। आप लोगों को चीजें जो हैं वो एकेडमी जाके हासिल आप नहीं कर पाते, जो कि आपको घर बैठे
आप इस ऐप में हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह अगर कोई आप में से जो है कोई एक प्रैक्टिस बुक को यूज करे तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें कि उसके साथ किसी और पब्लिशर की प्रैक्टिस बुक को भी यूज करें, ताकि आप जब मल्टीपल जगहों से तैयारी करेंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी जो है मल्टीपल एंगल से बेहतर हो जाएगी। पॉइंट नंबर सिक्स ये है कि जब भी आप लोग एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज र्यूमर्स में बिलीव ना किया करें। पिछले कई सालों से एमडी कैट से पहले और एमडी कैट के दौरान बहुत से र्यूमर्स सुनने को मिलते हैं कि जी एमडी कैट कंडक्ट कौन करवाएगा, एमडी कैट का सिलेबस क्या होगा, एमडी कैट किस डेट पे कंडक्ट होगा। इससे रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक वीडियो हमने अभी पिछले वीक रिलीज की थी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। कोशिश करें कि आप लोग र्यूमर्स के बजाय सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज में बिलीव करें। अब ये ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलेगी कहां से? पीएमडीसी, यूएचएस, केएमयू, जिस भी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी ने पिछले साल आप लोगों का एमडी कैट कंडक्ट करवाया था, उनके जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं, जो भी उनके फेसबुक पेजेस हैं, जो भी उनकी वेबसाइट्स है, काइंडली उनको कंसल्ट करें फॉर एनी लेटेस्ट अपडेट्स। इसी तरह अगर हम लोगों को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उसका कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दें या किसी वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें कि। तो प्लीज आप लोगों ने कोशिश करनी है कि र्यूमर्स में बिलीव ना करें, क्योंकि जब आप लोग र्यूमर्स में बिलीव करते हैं तो आप लोगों का टेम्पो भी टूट जाता है। आप लोग किसी गलत न्यूज में बिलीव करेंगे जो कि रियलिटी से कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वो आपकी जो तैयारी आप लोगों ने इतनी अच्छी की होती है उसको जीरो तक ले आएगी। पॉइंट नंबर सेवन ये है कि जब आप लोग एमडी कैट की प्रिपरेशन करेंगे तो आप में से बहुत से लोग इस एक डायलेमा से भी गुजरेंगे कि आप लोग तैयारी तो करते जाएंगे लेकिन आप लोगों की ये कंप्लेन होगी कि तलहा भाई, हमजा भाई, हम लोग तैयारी तो करते जा रहे हैं लेकिन हमें चीजें भूल जाती हैं। तो इस चीजें भूलने को हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है? तो उसका अगेन तरीका सबसे पहला यही है कि जब आप मैक्सिमम रिविजन्स करेंगे तो जो जो चीजें आपको अगर कभी भूल भी गई हैं तो जब आप उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपके जहन में बार बार जब वो इम्प्रिंट होती जाएगी तो वो ज्यादा देर के लिए लास्ट करेगी। और जब आपने अपने एमडी कैट का एग्जाम देना है, आपकी नॉलेज वही काउंट करेगी जो उस वक्त आपको आपके जहन में होगी। ये नहीं कि आपने अगर पिछला एक या दो महीने जो मर्जी पढ़ते रहे हैं, उस पॉइंट पे आपकी जो नॉलेज होगी वो मेन मैटर करती है। और वो किस तरह से बिल्ड होगी? जब आप मैक्सिमम रिविजन्स करेंगे, जब आप प्रिपरेशन के दौरान प्रॉपर थॉरो तरह से जो है बुक्स की रीडिंग करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग एक्टिव लर्निंग पे ध्यान दें। जब आप किसी एकेडमी अगर गए हुए हैं या ऑनलाइन कोई लेक्चर ले रहे हैं तो उसमें जो कुछ आपको लेक्चर के दौरान बताया जा रहा है उसको एक्टिवली लर्न करें, एक्टिवली सुने। पैसिवली ये होता है कि आप लोग जो है उस जगह पे मौजूद हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप लोग बुक को रीड कर रहे हैं लेकिन आपका माइंड ब्लैंक हुआ हुआ है। जो लेक्चर आपको सुनाया जा रहा है आप उसको भी नहीं सुन पा रहे। जब आप बुक की रीडिंग कर रहे हैं तो आप बस रीड करते जा रहे हैं लाइन में लेकिन आपके जहन में कुछ नहीं जा रहा। तो इसीलिए जो है कोशिश करें एक्टिव लर्निंग करें, रिविजन्स मैक्सिमम करें, और जब आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो प्रॉपर थोरो तरह से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस के ऊपर भी आप लोगों ने इक्वली फोकस करना है। टॉकिंग अबाउट एट पॉइंट, वो आ जाता है कि आप लोगों ने एमडी कैट से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने किस तरह से करनी है। अब टाइम मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए दो चीजें होती हैं। एक टाइम मैनेजमेंट वो है कि आपके पास एफएससी के एग्जाम्स के बाद जितना भी टाइम पीरियड होगा, एक आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट को आपने रोज कितना टाइम देना है, एक टाइम मैनेजमेंट इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के साइंसेस की जो वेटेज है आपके एग्जाम में ज्यादा है इसलिए आपने इनको ज्यादा टाइम देना है। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की वेटेज चूंकि कम है तो आप लोगों ने इनको कम टाइम देना है। अगेन इनको इग्नोर नहीं करना, आपने टाइम थोड़ा सा कम देना है। इसी तरह ड्यूरिंग पेपर आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने हर पोर्शन को या हर एमसीक्यू को कितना टाइम जो है देना है। और इसका आप लोगों को जो बेहतरीन जो लाइक सोल्यूशन है वो यही है कि आप लोग एफएलपी सॉल्व करें, आप लोग फुल पेपर टेस्ट वगैरह सॉल्व करें। और जब आप पास्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व करेंगे फुल लेंथ तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि एक एमसीक्यू के लिए आपके पास कितना टाइम होता है। और आप लोगों ने बेहतर तरह से पेपर को टाइमली कंप्लीट करने के लिए एक एमसीक्यू को तकरीबन कितना टाइम देना है। टॉकिंग अबाउट द नाइन्थ पॉइंट, वो ये है कि आप लोगों ने प्लीज जब आप लोग एमडी कैट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और जब आप लोग एमडी कैट के एग्जाम में अपीयर भी होंगे, चीटिंग और तुक्कों को आपने जो है अवॉइड करना है। मुझे याद है कि जब मेरी भी क्लासेस चल रही होती थी एकेडमी के अंदर तो मैं अक्सर जो है अपने साथ वाले बच्चों को नोटिस कर रहा होता था कि जब हमारा एमडी कैट का कोई टेस्ट हो रहा होता था
तो साथ वाले बच्चे जो हैं, कोई कुछ बच्चे बुक खोल के जो है एमसीक्यूज के जवाब तलाश कर रहे होते थे, कुछ आपस में डिस्कशन कर रहे होते थे, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह तुक्के लगाने का भी कोई फायदा नहीं होता। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि यार मुझे तो इस चीज का जवाब नहीं आता और मैं तुक्का लगा रहा हूं, वक्ती तौर पर आप बेशक उसका कोई जवाब लगा लें, लेकिन बाद में आप लोगों ने उसको एनालाइज करना है कि उस एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट क्या था, उसका आंसर कहां पे लिखा हुआ। तो इसीलिए जो है काइंडली जो गलत चीजें हैं जैसे चीटिंग हो गई, तुक्के हो गए, काइंडली इसको अवॉइड कीजिएगा। आपने खुद के साथ सिंसेयर रहना है, खुद को एनालाइज करना है। वही बात जो आप लोगों को पहले बताई, अगर आप लोगों के टेस्ट के अंदर 60 में से 60 एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आने वाले वक्तों में उस कॉन्सेप्ट या उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू आएगा तो आपने कम से कम वही गलती जो पहले की थी उसको आपने रिपीट नहीं करना। आखिरी पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 10 और मेरे नजदीक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने अपनी जो प्रोग्रेस है या अपनी जो तैयारी है उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। हर किसी का अपना टेम्परामेंट होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है। कुछ बच्चे एमडी कैट से पहले 10 तैयारियां भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो है वो ये 2 या 3 दफा रिविजन करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा जो है जिसने 10 तैयारियां की हैं, 10 रिविजन की हैं, वो जो है उसका ज्यादा स्कोर आएगा और जिसने कम किया उसका कम स्कोर आएगा। आप लोगों ने अपनी प्रोग्रेस देखनी है, आप लोगों को अपना बेहतर पता है कि आप लोगों का माइंडसेट क्या है, आप लोगों की मेंटल कैपेसिटी क्या है, आपकी रूटीन आप किस तरह से सेट कर सकते हैं, और आपने कोशिश करनी है कि आप हेल्दी कंपटीशन के अंदर एंगेज हों। लेकिन ये ना हो कि आप लोग जो है किसी दूसरे की प्रोग्रेस देख के आप लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे कि जी भाई बाकियों के तो सारे एमसीक्यूज ठीक हो रहे हैं, मेरे क्यों गलत हो रहे हैं। आपने अपनी प्रोग्रेस देखनी, आपने ये देखना है कि आप जिस जगह पे अभी स्टैंड कर रहे हैं आपने उससे जो है स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे निकलना है। और अल्टीमेटली देखें मैटर यही करता है कि आप में से ज्यादा स्कोर अल्टीमेटली एग्जाम में किसका ज्यादा होगा। मेरा ख्याल है कि ये वो तमाम इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो मैंने इसमें इंक्लूड कर ली हैं। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमडी कैट के एग्जाम्स, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।